सर, इमरान खान को आखिरकार अरेस्ट कर लिया गया है, बहुत हंगामा रहा पूरी कंट्री में। आप देखेंगे पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी में आपको 15-20 का बल्ब जलता हुआ देखेगा, बाकी सब ब्लैंक। एजेंसियों की पैदावार है जो पाकिस्तान के अंदर सियासी। अगर इमरान खान का वीडियो दिखा दें पैसा लेते हुए, तब लोग बोल देंगे कि ये खान को फंसा रहे हैं, झूठा है। ये मरो जिहाद के लिए, कट जाओ। घर है उनके ऊपर भी अटैक किए गए हैं, और अब खान साहब को जो है फिलहाल तो रखा हुआ है नैब की अदालत में ही। कल पता लगेगा, यानी सुबह, आज सुबह पता चलेगा कि क्या होता है। आपके ख्याल से सब कुछ क्या चल रहा है और अब किस तरफ इमरान खान की सियासत जा रही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आरजू आप जरा आज नोट करें कि आज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अगर जिंदा होते या तो क्या सोचते, या अपनी कब्र में वो आप करवटें बदल रहे होंगे कि ये मैं क्या कर चुका हूँ, ये क्या है, ये मैंने जो बनाया था ये क्या है, इसलिए बनाया था, इसके बेनिफिशियल कौन है, ये कौन लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, ये 76 साल से इसको जलीलो ख्वार कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं। आज जितना दुख किया जाए कम है। वो अब मैं बताना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब गए, भारत गए, तो वहां पे उनको उन्होंने कहा कि यार इनडायरेक्टली यही मैसेज दिया गया कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। तो आज वो बयानिया उन्होंने कहा था उसको आप आज बिल्कुल वो सही साबित हो रहा है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। आप देखें, आज मैं दर हकीकत ये भी बताना चाहूंगा कि आज क्या हुआ, क्या ये ड्रामे की आखिरी किस्त चल रही है। उसकी वजह यह है कि ये सारे, मैं यहां पर यह अर्ज करना चाहूंगा, शायद कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि ये सारे लोग एजेंसियों की पैदावार है जो पाकिस्तान के अंदर सियासी है। इनको सियासत या जमहूरियत का कुछ भी नहीं पता। इस वक्त हमारे इमरान खान साहब ने अपनी पूरा जोर लगाया पिछले 3-4 महीनों में कि वो किसी ना किसी तरीके से आर्मी चीफ उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात की कटाई की गई, उनको सब मिनते तरले हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। फिर बार बार ऐसे बयान दिए गए कि ये डर के फोन कर। यहां तक कि आरफ अलवी साहब जो आर्मी के कमांडर इन चीफ है, उनके पास आर्मी चीफ का मोबाइल नंबर तक नहीं है, यहां तक इतला है। फिर उसके बाद इन्होंने गलत किस्म के बयान देने शुरू किए कि शायद ये प्रेशर में आके फोन कर लें, वाले साहब गोद उठा लें, मुझे वाले साहब गोद उठा लें, क्योंकि वो नैपियां तक तब्दील करते रहे, इनकी हुकूमत पकड़ पकड़ के करवाते रहे इनको। आज वेस्टर्न मीडिया की खबरों की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ आरजू, खबरें तो हर जगह पे आ रही हैं, ब्लूमबर्ग ने कवर किया, अल जजीरा ने, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि ही नेवर वॉन इलेक्शन, ही वाज चोजन बाय द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो दर हकीकत वो आपके आपके मजीद कपड़े उतारे जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के। अब उसमें यह हुआ कि खान साहब ने अपनी इस आखिरी वारदात, देखें निकलने से पहले इस्लामाबाद वो कोर्ट में अपनी पेशी पे आ रहे थे, तो निकलने से पहले उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड किया कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, हकीकी और शुरू किया अय्या का नाम लू अय्या का नस्ताइन से, कि जिस तरह बहुत बड़े मजहबी पेशरवा हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े कौम को उन्होंने नसीहतें की, उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी के लिए मरो, जिहाद के लिए कट जाओ, ये यहां तक इस तरह के उन्होंने कहा कि जब निकले पता था उन्हें कि मैं अरेस्ट होना है, बल्कि अरेस्ट होना चाहते थे। वो जो बिल्कुल तरीके से उन्होंने एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे, उन्हें वो अरेस्ट होना चाहते थे। उन्होंने अरशद शरीफ में भी कहा कि इसने कत्ल कराया है, सवाती के कपड़े इसने उतारे हैं, इन्होंने मेरे कपड़े उतारेंगे, इन्होंने सारा कुछ किया। अब ये चाहते थे अरेस्ट करें, अब्बा जी अपने मेरे पास मुझे गोद उठा लें, और उठा लिया उन्होंने। अब होना अपने ये मैं क्या को जेलों में, पाकिस्तान में उसकी इज्जत नहीं हो, उसके लिए पाकिस्तान में ऐसा बेगैरत लोग आ गया, गुलाम अमरीका के चपरासी के, खान साहब के मदीना की रियासत की बात को दफनाना चाहते। ये मदीना की रियासत कायम होगी इंशाल्लाह, खान साहब रिहा होगा और हम फिर जश्न मनाएंगे, और पूरा पाकिस्तान अब निकलो, अब वक्त है, अब इन चोरों डाकुओं को जगह पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे, गोली चलाओ, जितने गोली भी चलाओ। ये जिस किस्म का जज्बा नजर आ रहा लोगों के अंदर, ये जज्बा कभी भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो हालात है गाइस, ये सिविल वॉर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह के अवाम, ये देखे एक नॉर्मल अवाम के अंदर कितना जज्बा है। लाओ इसराइल को भी साथ लाओ, पाकिस्तानी कौम का मुकाबला किसी का बाप भी नहीं कर सकते, और तुम्हारे जैसे करप्ट डाकू, तुम्हारे जैसे गुलाम, तुम्हारे जैसे अमरीकी,
तुम्हारे जैसे बेगैरत लोग हम पर हुकमरानी अब नहीं करेंगे। अब मदीना की रियासत कायम होगी, अब इंसाफ का कानून होगा। जिस पर जुल्म हुआ इस एक एक खून का कतरे का हिसाब लेंगे। खान साहब पर गोली चली है, मजाक का बात नहीं है। एक एक गोली में पूरा पूरा अमरीका डिसमिस हो सकता है, पूरा अमरीका से हम इस हिसाब लेंगे। और जो गुलाम है अमरीका का, ये सब पाकिस्तान की अवामों का साथ मुजाकिरात नहीं होगा। और सिर्फ पाकिस्तानी पे रेडी है वो भी आएगा। और पाकिस्तान में अब इन चोरों डाकू करप्ट गुलामों अमरीका के गुलामों का जगह नहीं मिलेगा। अब हम निकल चुके पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए निकल चुके। अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकते। एक दफा ऐसे भी मौत है, एक दफा ऐसे भी दुनिया से जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आखिरत, हम हक के लिए लड़ रहे, हमारा मौत शहादत होगा। और हम अब पीछे हटने वाले, मौत से हम नहीं डरते। तुम जो कर सकते हैं कर दो। मेरा लीडर को कुछ भी हुआ, एक तुम इंपोर्टेड हुकूमत को अगर हमने पाकिस्तान के इन रास्तों और इन रोडों पे नहीं घसीटा तो फिर नहीं कहो कि ये पाकिस्तानी नहीं थे। अफगानिस्तान से जिस तरह अमरीका को भगाया इसी तरह तुम्हारा हाल भी होगा। लेकिन तुमको भागने की जगह अब नहीं मिलेगा। सारे एयरपोर्ट है बंद आज से। मैं सबको कहता हूं कि एयरपोर्ट बंद कर दो, कोई भी ना बाहर जाए ना आए। हाँ पाकिस्तानी अगर आए बाहर मुल्क से तो आ सकते, और किसी को इजाजत नहीं। और सियासी आदमी अगर पाकिस्तान से स्टेम में निकलना, एयरपोर्ट पे हम बंद कर देंगे। किसी जहाज को भी इजाजत नहीं है, किसी पायलट को भी इजाजत नहीं है कि ये जो सियासी टोला है करप्ट पीडीएम डाकू चोर अमेरिका के गुलाम, इनको और इनका जो सहूलतकार है और अपवाज पाकिस्तान में, ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है। ये इनके जज्बे से बता रहे हैं कि बड़ी देर लगा दी मेहरबान आते आते। अगर ये जज्बा इन्हें आज से तकरीबन 50 साल पहले या 70 साल पहले आया होता तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। इनको जगाया है इमरान खान साहब ने आगे, और ये हालात पाकिस्तान के ठीक होंगे। मैं आगे की तरफ चलता हूँ। ये भाई भी इमरान खान हो गए अरेस्ट। इमरान खान किस तरीके से अरेस्ट हुए? ये सब कोर्ट के अंदर बैठे थे अपने वकील के साथ और एक और बंदे के साथ, और बाहर इनके कुछ सपोर्टर्स थे। पाकिस्तानी रेंजर्स आए। पाकिस्तानी रेंजर्स कौन है? ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। पैरामिलिट्री फोर्स हम किसको बोलते हैं? पैरामिलिट्री फोर्स वो फोर्स होती है दोस्तों जो जनरली जो हम लोग इंडिया में डेफिनेशन समझते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स वो होती है जिसके जवान तो उनकी डायरेक्ट भर्ती होती है, लेकिन ऑफिसर्स आर जनरली फ्रॉम द आर्मी। जैसे असम राइफल्स है इंडिया में, दैट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स। सिमिलरली जो रेंजर्स हैं पाकिस्तान में, पंजाब रेंजर्स हो सकते हैं, वो सिंध रेंजर्स हो सकते हैं, उनके जो ऑफिसर कार्डर है वो आता है पाकिस्तानी आर्मी से सेकंडमेंट पे, एंड दे आर ऑन डेप्यूटेशन टू पंजाब रेंजर्स। तो जाहिर सी बात है पंजाब रेंजर्स, दो इट कम्स अंडर देयर मिनिस्ट्री ऑफ दिस थिंग यू नो इंटीरियर, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है राणा सानावाला, उसके अंदर आते हैं रेंजर्स। लेकिन क्योंकि सारे फौजी ऑफिसर हैं, यू कैन वेरी सेफली अज्यूम दैट दे आर कंट्रोल्ड बाय द आर्मी चीफ। ये बात तय है, ये आप मान के चलिए, मैं आपसे कह रहा हूं आप मान लीजिए इतनी बात कि दे आर कंट्रोल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, इवन दो वो उनके होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। ठीक है जी। अब हुआ ये वहां पे कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, और इमरान खान को अरेस्ट करने के बाद साहब जो बवाल बरपा हुआ है पाकिस्तान में, एक तो इमरान खान ने बोला कि भाई ISPR ने जो मेरे खिलाफ बोला, आई डोंट नीड टू लाई। अच्छा, पाकिस्तान में एक और चीज है ना कि जो खुदा बन गया वो खुदा बन गया। अगर इमरान खान का आप वीडियो दिखा दें पैसा लेते हुए, तब लोग बोल देंगे कि ये खान को फंसा रहे हैं, झूठा है। मतलब अगर पाकिस्तानी किसी पे भरोसा करते हैं तो फिर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, दिमाग भी बंद कर देते हैं। आंख तो खैर बंद बाद की बात है, दिमाग स्विच ऑफ करके भरोसा करते हैं। इसीलिए इस मुल्क की इतनी बुरी हालत है दोस्तों। इस मुल्क का इसलिए बैंड बजा हुआ है कि दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम है पाकिस्तान में। इट्स अ रेयरिटी। कभी 20-25 करोड़ लोगों में कभी किसी ने एक आध अपना बल्ब दिमाग का खोल लिया तो खोल लिया, जनरली ब्लैंक मामला है। अगर कोई ब्रेन मैपिंग करे वर्ल्ड की ना, अगर कोई ब्रेन मैपिंग करे वर्ल्ड की कि इस वक्त कितने लोग, जैसे नहीं होता मोबाइल फोन कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी फ्लाइट ऐप्स होते हैं ना जो दिखाते हैं कि इतनी फ्लाइट चल रही है इस कंट्री के ऊपर, ये हो रहा है वो हो रहा है, जब ये सब चीजें अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा ना मैप करने के लिए दुनिया भर की कितने लोगों का दिमाग काम कर रहा है, आप देखेंगे पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी में आपको 15-20 का बल्ब जलता हुआ देखेगा, बाकी सब ब्लैंक।